अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जाफर लिगारिया तुसा पया मैं तो सारे दे पवे। नाजरीन इस वक्त मैं मौजूद हाँ मड़ोठा चौक के उत्ते। ये सामने ये अगर तक तो दिखा सके तो मेरा कैमरामैन, ये मड़ोठे की आवाम है सलाबी रेले की वजह कने रोज कोई तो सुलमान के पहाड़ों के उत्ते बारिश थी जेरी थी है एक सलाबी रेला मड़ोठे की तरफ है ना उनकी वजह के लोग नकल मकान ही करने पैन तौसा की तरफ और तुसा देते पे सड़क ब्लॉक थी चुके हैं हंगामी सूरत हाल है। लेकिन सबके बड़ी गाल जरी है जो भाई इतना मैं तो ये दसा जो हंगामी सूरत हाल है हर कोई अफरा तफरी की सूरत हाल है लेकिन इंतजामिया का कोई बंदा सबको नजर नहीं आता पाया कि तीन हिक्का दुक्का पुलिस अफसर पुलिस दे कांस्टेबल खड़न बाकी कोई ही नहीं। असल एक बदनजमी की वजह कने हंगामी सूरत हाल की वजह कने उबाले पन होने की वजह कने ये सारी ट्रैफिक ब्लॉक थी गई मोटरसाइकिल वन राह कह नहीं कारा वैगना उन्हें बाद उसका देखो फटे रक्षे लोडर उन्हें बाद ये सवारी रक्षे और एम्बुलेंस तक के रास्ते कह नहीं ये क्या क्या है बदनजमी है सारी बदनजमी सूरत हाल है। ये इतों के असिस्टेंट कमिश्नर या कोई भी महकमा जात इस बदनजमी को भी कंट्रोल नहीं कर सके कम अज कम आफत ज्यादा तो चलो थीने पैन थीने पैन जो कुदरती आफात ही गुजर जा पैन लोग भोगने पैन लेकिन सबके वे जरा शिकवा कुना है कि भाई सरकारी अफसरान इतना बदनजमी कंट्रोल नहीं कर सकते पे और मेरे ख्याल के मुताबिक ई अफरा तफरी के अंदर भी लोगों के गुमसान होने की वजह के जाने वन का खदशा है। उन्हें नाल तो मैं ये भी दसेंदा जुला जो भाई संघर के बीच पानी ज्यादा थी पे पानी का एक सलाबी रेला एक पी आता पे जरा मतलब इतों कने भी ज्यादा पानी है ये सलाबी रेले को किवें कंट्रोल किया वैसी ये इंतजामिया के बस के भी बाहर है और ये सवाल वो अपने जहन के अंदर सोचेंदे भी कह नहीं बड़े बस सबसे ज्यादा आखिर तो उन्हें ये आखिर उन्हें कुदरती आफात असा इन्हें क्या कर सकते हैं कदें ही भी जिंदगी सारी इवें था जनू भी पंजाब के नाल और हमेशा इंदा था इवें थींदा रहे सी ए सारे सियासतदान हमेशा इवें करदे रहे गए हुण ताणी अज हंगामी सूरत आ रहे कोई सियासतदान नजर नहीं आता पिया कोई पार्टी का कोई वर्कर नजर नहीं आता पिया ए सारे लोग हमेशा यतीम दिखाया गए सारे लोगों को हमेशा पसमानदा रखा गया और सारे लोगों ने मुसीबत जो टूट रही है उन्हें वक्त भी लोग इतना जो अहल इकतदार लोग वाला भी सारे इलाके की तरफ रुख नहीं करने ये अठ अठ दीवारें बाद दह दीवारें बाद पंद्रह पंद्रह दीवारें बाद आने एक क्या वजह है असा ये लोगों को क्यों मुंतखब करने हैं जो सारे बाह मेले नहीं बढ़ रहे ना तकलीफ दे वक्त ना मुसीबत दे वक्त इन्हें की वजह के सारे बाले जाना बने आखिर तो सिर्फ फाते खानी वास्ते आ बने इन्हें लोगों के जान छुड़वाओ और ये लोग गिनाओ जो हमेशा वास्ते सारे मसाइल हल करें और सबको हमेशा वास्ते महफूज बनावे इन्हें कुदरती आफात करें कुदरती आफात को इतना करामत बना रहे सारे वास्ते मुफीद और करामत साबित थी सारा ना सिर्फ ये मकाने का नुकसान थी फसलें का नुकसान अलहदा है और इन बाद जरा इन्हें अल्लाह न करे मेरे मुँह खाक जो भी जरा जाना वैसे वो नुकसान भी आए। मैं अहल इकदार लोगों के और महकमा जात करें अपील करना जो सारे लोगों को कम अज़ कम रिहाइश वास्ते और एक बेहतर ट्रांसपोर्ट दी वे या जो भाई इतों आराम महफूज मकाम आराम के पहुँच सकें और इन बदनजमी को ख़त्म करने वास्ते ट्रैफिक पुलिस एहलकार और भी इंतजामिया जितनी भी था लगी सकती हो लाई वे ताकि ये हंगामी सूरत हाल को आराम कंट्रोल किया बन सके। अल्लाह थोड़ा साढ़ा सारे हामियों नासिर होवे। अल्लाह हाफिज़।